ठाकुर जी, ये आप क्या कर रहे हैं? इतना गुस्सा ठीक नहीं है। हम मानते हैं कि सलोनी जी का बर्ताव कुछ अजीब हो गया है, बच्चे के लिए भी सही नहीं है, लेकिन आप ही को तो उन्हें संभालना है ना, आप ही को ख्याल रखना है ना उनका। अगर आप ही ऐसा करेंगे तो फिर मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है, और मेरे पर्सनल मामलों में दखल मत दो। मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं, समझे? I'm sorry, Vrinda. मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता था। पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा हूं। अब किसी और का गुस्सा मैंने तुम पर उतार दिया। मुझे माफ कर दो वृंदा। नहीं ठाकुर जी, आप हमसे माफी मत मांगिए, और ये भी मत सोचिए कि हमें बुरा लगा। हम जानते हैं कि आप किन उतार चढ़ावों से गुजर रहे हैं। हम आपकी मुश्किलें बढ़ाना नहीं चाहते, हम बस ये चाहते हैं कि आप और सलोनी जी हमेशा खुश रहें, और जो आने वाला बच्चा है ना, वो आप दोनों के इस बंधन को एकदम अटूट बना दे। तुम कितनी अच्छी हो वृंदा, सबकी कितनी परवाह है तुम्हें। थैंक यू सो मच मुझे इस बात का एहसास कराने के लिए कि मेरी सलोनी मुझे अपनी जिंदगी का सबसे कीमती और अनमोल तोहफा देने वाली है, हमारा बच्चा। अरे आप आ गए। अरे पता है आज पीयूष ने क्या किया? वो मम्मी जी वहां पे बैठी थी, अपनी सिलाई कढ़ाई कर रही थी, तो अचानक से गया पीछे से और क्या बात है, कब से आपसे बात किए जा रही हूँ, आपका ध्यान कहाँ है? शुभ्रा, उस दिन जो तुमने मुझे नेकलेस दिखाया था वो पापा जी ने ही दिया था ना? अब जी, पापा जी ने ही दिया था। अब इतनी खूबसूरत चीज आपके या पापा जी के सिवाय और मुझे कौन दे सकता है भला? और वैसे मैं उनकी लाडली जो हूँ। लेकिन एक मिनट, ये बात तो आपने मुझसे उस दिन भी पूछी थी ना, तो आज फिर से क्यों पूछ रहे हैं आप मुझसे? नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही। अच्छा, अरे आपको पता है मम्मी जी को वो नेकलेस इतना पसंद आया, वो मुझसे कहने लगी कि बहुत खूबसूरत डिजाइन है, मेरे लिए भी एक बनवा दो। शुभ्रा झूठ क्यों बोल रही है मुझसे? क्या कोई और बात है जो वो मुझे बताना नहीं चाहती? मैंने ही सलोनी को नाराज किया है, अब मुझे ही उससे बात करनी होगी।
क्यों वापस चला आया मैं? इस तरह तो ये उलझन कभी नहीं सुलझेगी। कल मैं जरूर सलोनी से बात करके सब कुछ संभाल लूंगा। मुझे उसके चेहरे पर वही मुस्कुराहट लानी होगी जो मेरी सलोनी की पहचान है। ठाकुर जी, आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? नहीं, मामूली सी खरोच है। अगर ज्यादा चोट लग जाती तो इन फूलों के लिए आपको इतनी परेशानी लेने की क्या जरूरत थी? तुम नहीं समझोगी। नाहर, कहाँ था तू? भाभू, मैं जानता हूं कि सलोनी नाराज है मुझसे। हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे कि हम दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन अब आप देखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बिल्कुल पहले जैसा। मैं सलोनी को मनाऊंगा और देखना, उसकी सारी शिकायतें भी दूर कर दूंगा। सुन, रुको नार। जी सर, क्या बात है? मैं सलोनी के पास अंदर जा रहा हूँ। नाहर, नाहर। सलोनी, क्या हुआ सलोनी को? वो ठीक तो है ना? आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? वो ठीक तो है ना? वो सलोनी, वो अंदर नहीं है। घर में नहीं है तो कहाँ चली गई सलोनी? नाहर वो चली गई। उसका आज पहला शो था ना? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने मना किया था उसे। सलोनी चिट्ठी छोड़ के गई है। आज मेरा पहला शो। आपने मुझे मना किया था, लेकिन फिर भी मैं जा रही हूं। मेरे सामने एक नया आसमान बिछा है, उसे आंखें नहीं फेर सकती मैं, क्योंकि मैंने अपने लिए जीना सीख लिया ना। मना करने के बावजूद सलोनी चली गई। अगर सलोनी ने जाने का फैसला किया तो कुछ सोच समझ के किया होगा। अपनी और बच्चे की सेहत की चिंता उसे भी तो होगी ना? कुछ नहीं होगा उसे, आ जाएगी वो। मेरी बात का कोई मतलब नहीं है सलोनी के लिए। मुझे अब तक यकीन नहीं हो रहा कि सलोनी ऐसा कर सकती। अपनी सारी शिकायतें और अपनी नाराजगी को भुलाकर ठंडे दिमाग से सोचो। सलोनी की इच्छाएं और उसके सपने को एक तरफ करके हमने उस पर कुछ ज्यादा ही दबाव डाल दिया था। जरूरत से ज्यादा हमारी चिंता ने शायद उसे यह कदम उठाने पर मजबूर किया है। नहीं भाई साहब, ना तो हमने उस पर कोई पाबंदी लगाई थी, ना ही उसे मजबूर किया था, बल्कि उसने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया
कि उसके लिए हमारी फिक्र हमारी कंसर्न की कोई इंपॉर्टेंस नहीं। उसे सिर्फ अपने सपने की परवाह, उसकी और बच्चे की सेहत की सोच करी तो हमने उसे जाने से रोका था, कि फिर भी वो चली गई। समझने की कोशिश करो नाहर। मैं सब समझ रहा हूँ भाभी साहब। नाहर देखो मैं। भाभी साहब प्लीज आप कुछ मत कहिए। अब लोग प्लीज कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दे। सलोनी पे अपनी सेहत को लेकर अपने बच्चे के सेहत को लेकर इतनी लापरवाह हो सकती है वो। अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा तारा, मगर चुप हूं, कुछ बोलकर नाहर का दुख नहीं बढ़ाना चाहती। सलोनी का जो ये व्यवहार है ना, मुझे भी बड़ी हैरानी हो रही है इससे। हम दोनों को मिलकर इस परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा, इसे सुधारना होगा। सलोनी के साथ साथ नाहर का भी ध्यान रखना पड़ेगा। मैं तो इस परिवार को इस दर्द और तकलीफ में नहीं देख सकती बाबू। जो खुशी मैं इस परिवार को नहीं दे पाई वो सलोनी देने जा रही है। मैं बस चाहती हूँ कि सब ठीक हो। आप सलोनी को समझाइए, उसको बताइए कि सलोनी की और उसे आने वाले मेहमान की कितनी बड़ी जगह है हमारी जिंदगी में। चिंता ना कर तू, समझाऊंगी, जिसे समझाना होगा उसे जरूर समझाऊंगी। ऐसे कब तक बैठा रहेगा अकेले? खाना भी नहीं खाया तुमने? तेरे मन में क्या चल रहा है मैं समझती हूँ। तारा ने उस हादसे में अपना बच्चा खो दिया और उस बात के लिए तू आज भी अपने आप को जिम्मेदार समझता है। मुझे मालूम है तू चाहता था कि पूरी सावधानी बरती जाए, कहीं सलोनी के साथ ये बात ना हो जाए, लेकिन किसी को इतना बांध कर नहीं रखना चाहिए कि वो सांस भी ना ले सके। आगे अब इतना ही कहूंगी कि सलोनी को आज तेरे प्यार की, तेरे साथ की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसे समझने की कोशिश कर बेटे। भाबो, वो सलोनी जी टीवी पर गाना गाने वाली है ना, इसलिए सब आपका हॉल में इंतजार कर रहे हैं। चल चले आज। आप जैसे सिंगर पे आपके परिवार और पति को नाज होगा, कहाँ है वो? काश मेरे पति और मेरा परिवार आज मेरे साथ होता, लेकिन अफसोस वो सब नहीं आ पाए। सलोनी ठीक ही कह रही थी, कितना बड़ा दिन था उसके लिए आज, हमें वहां होना चाहिए था। लेकिन नहीं थे हम, कितना बुरा लग रहा होगा उसे। हजारों लोग उसके गाने की प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन परिवार का एक नहीं है वहां पर। तू सलोनी से गुस्सा हो गया था ना कि तुझे बिना बताए चली गई थी? एक बात बता, अगर बता के जाती
तू जाने देता उसे? नहीं ना, इसीलिए चली गई बिना बताए। सारे वक्त हम उसके बारे में सोचते रहे, ये नहीं जाना कि वो क्या चाहती है। वो तो ठीक है भाभू, लेकिन नाहर की हालत भी तो देखो। बेचारे ने सुबह से अन्न का एक दाना भी मुंह में नहीं डाला है। अरे हाँ, चल नाहर, चल बेटा, उठ के कुछ खा ले, आजा। भाभू, मेरा मन नहीं है। वाओ सलोनी जी, ये केक, ये डेकोरेशन, कोई खास बात? आप बैठिए ना। एक्चुअली क्या है ना, हमारा परिवार बहुत बड़ा है, कुछ ना कुछ होते ही रहता है। आपके पास कुछ नई आइडियाज हैं, आप बताने वाली थी। सलोनी, बाबो एक तू कहाँ रह गई थी बेटे? हम लोगों को इतनी चिंता हो रही थी, पता है? हाँ बेटे, सब परेशान हो गए थे। कम से कम अपने आने वाले बच्चे के बारे में तो सोचा होता। चल चल, अब चल के नाश्ता कर ले। बाबो, आप देख रही हैं ना, मैं काम कर रही हूँ। अरे तुझे नहीं तो तेरे नन्हे मुन्ने को तो भूख लग रही होगी ना। I'm sorry, आपको जाना होगा। मुझे लगता है ये लोग मुझे काम नहीं करने देंगे। No problem, आप ये स्टडी कर लीजिएगा, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। अब तो ठीक है, यही चाहती थी ना।